हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूबी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं क्लाउड किचन चलाती हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि बिजनेस चलाने के लिए उसके रूट्स मजबूत होने कितने जरूरी हैं। किचन में कई बार ऐसा टाइम आता है जब आपके एम्प्लॉयज छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं, कोई अचानक से छोड़ जाता है, कोई बीमार हो जाता है, वगैरह वगैरह। तब उस टाइम हमने कैसे सिचुएशन संभालनी है कि कस्टमर्स को पता भी ना चले कि अंदर क्या हो रहा है और ऑर्डर्स ऐसे ही चलें जैसे हम टीम के साथ चलाते थे। इस चीज में आपकी पेशेंस का, आपकी ताकत का इम्तिहान होता है। फिर बस एक ही चीज आपके साथ होती है, वो है सिस्टम, प्रोसेस। ये जो आपको आज दिखाई दे रहा है कि कितनी कंसंट्रेशन से काम हो रहा है किचन में, ये इसलिए कि मेरे पास आज दो पार्टी ऑर्डर्स की बुकिंग आई हुई है, बैनमरी भी सेट करनी है थालीज के लिए, रनिंग ऑर्डर्स के ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और बाहर कस्टमर्स खाना भी खा रहे हैं। तो ये सारे के सारी चीजें हम संभाल रहे हैं बिना कोई हेल्पर से। जो बाहर रिसेप्शनिस्ट है मेरी, जो फोन सुनती है, वो अब अंदर आ चुकी है, वो मेरी हेल्प करा रही है और डिलीवरी बॉय भी अंदर काम कर रहा है। जो पार्टी ऑर्डर्स की बुकिंग है वो एक दिन पहले फाइनल हो गई थी और मैंने काफी कटिंग्स एंड प्री प्रेपरेशन एक दिन पहले और सुबह सुबह कर ली है। अभी भी बहुत कुछ है जो पेंडिंग है, क्योंकि विदाउट टीम इतने ऑर्डर्स निकालने मुश्किल हो जाते हैं। जो छोटे छोटे ऑर्डर्स लगेंगे बीच में, उसकी मैं प्री प्रेपरेशन करके एक एक करके रख रही हूँ, क्योंकि जब पार्टी ऑर्डर्स का टाइम आएगा तो तब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होएगा हर चीज को संभालने का। ये जो छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, इनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही ऑर्डर्स हमारा रूटीन चलाते हैं। जब हमारे पास एक या दो बड़े ऑर्डर्स आ जाते हैं एक साथ, तो हमें ऐसा लगता है कि यही ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, तब यही रूटीन के ऑर्डर्स हमारा काम चलाते हैं। तो इसलिए मैं हर एक चीज का ध्यान रखते हुए छोटी छोटी प्री प्रेपरेशन करती जा रही हूँ, ताकि कुछ भी इग्नोर ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि ऑर्डर्स भी अटपटे आते हैं। उसी दिन कस्टमर्स को हर वैरायटी चाहिए होती है, तो जैसे कि मैंने काठी रोल्स की भी प्री प्रेपरेशन कर ली है, चीज चिली की भी तैयारी कर ली है, क्योंकि मुझे पता है ये सब के ऑर्डर बीच बीच में आते हैं। और अब मैं फ्राइड राइस का भी एक बाउल भर के आज रख दूंगी, क्योंकि फ्राइड राइस मंचूरियन कॉम्बो भी बहुत आते हैं बीच बीच में। तो ये सारी तैयारी मैं करके रख लूंगी, ताकि पार्टी ऑर्डर्स तैयार करने के टाइम मुझे डिस्टर्बेंस ज्यादा ना हो। वैसे हम कटिंग्स कभी भी ऑर्डर के बीच बीच में नहीं करते, लेकिन आज हेल्पर्स नहीं है तो सब कुछ पेंडिंग चल रहा है, निपट ही नहीं रहा है ऐसे लग रहा है। और अंदर से मुझे टेंशन भी हो रही है, क्योंकि पार्टी ऑर्डर्स निकालने का टाइम नजदीक आता जा रहा है और यहाँ रूटीन के ऑर्डर्स की प्रेपरेशन ही खत्म नहीं हो रही। तो देखते हैं कैसे होगा सब कुछ। प्लानिंग तो ऐसे है कि जैसे ही मेरा फ्राइड राइस खत्म होगा तो मैं पार्टी ऑर्डर्स की प्रेपरेशन शुरू कर दूंगी। तो आज पार्टी ऑर्डर्स में चाइनीज भी है, इटालियन भी है और कुछ स्टार्टर्स भी हैं जो मुझे तैयार करने हैं। तो स्टार्टर्स की मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि नेहा पूरी एक्सपर्ट है फ्राइंग में, तो वो साइड बाय साइड स्टार्टर संभाल लेगी। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है करने वाला। तो जैसे ही मैं पार्टी ऑर्डर्स में जाने लगी थी तो बीच में सैंडविचेस के ऑर्डर आ गए हैं, तो इसकी भी मिक्सचर मैं पहले ही बना के तैयार किया हुआ था। मैंने खाली लगाना ही है और ग्रिल करना है, ये नेहा और मेरा डिलीवरी बॉय ही संभाल लेंगे सैंडविचेस को। तो फाइनली अब मैं पार्टी ऑर्डर्स की प्रेपरेशन के लिए आ चुकी हूँ। तो अब मैं पास्ता की तैयारी कर रही हूँ। 5 पार्टी पैक्स पास्ता के हैं, एक पार्टी पैक 5 to 6 पीपल को सर्व करता है, तो ये 25-30 लोगों के लिए पास्ता रेडी हो रहा है। इसको बॉयल मैं पहले करके रख चुकी हूँ, पोर्शंस रेडी कर लिए हैं मैंने। तो अब इसके लिए ब्रोकली ब्रांच करूंगी मैं। ब्रोकली को स्ट्रेन करते ही फटाफट रनिंग वाटर में लेके जाऊंगी, ताकि ये ओवर कुक ना हो और कलर भी ग्रीन रहे। तो अब पास्ता के लिए जो जो कटिंग चाहिए उसकी तैयारी करूंगी। दो टाइप के पास्ता बना रही हूँ मैं। तो पास्ता में रेड येलो बेल पेपर, ग्रीन कैप्सिकम, कॉर्न्स, ब्रोकली, ये सारी वेजिटेबल्स डलती हैं। तो अब हम इन सब्जियों को सॉटे करेंगे। ऑयल के साथ बटर डालूंगी, गार्लिक भी डालूंगी और फिर सारी वेजेस को सॉटे करूंगी। देखिए मेरी कढ़ाई कितनी कलरफुल लग रही है। अब पास्ता को भी सॉटे करूंगी, क्योंकि जब पास्ता बटर, सॉल्ट, काली मिर्च एंड मिक्स हर्ब्स के साथ सॉटे करते हैं तो उसका फ्लेवर ही अलग आता है, एनहांस होता है फ्लेवर और भी ज्यादा। अब बीच में मिक्स वेज का ऑर्डर आ गया है, हाफ पोर्शन का ऑर्डर था, मैंने फटाफट बना दिया है, क्योंकि प्री प्रेपरेशन पहले से हो रखी थी इसकी। और भी 3-4 आइटम्स का ऑर्डर था साथ में, वो भी मैंने 5 मिनट में निकाल दिए हैं। पार्टी ऑर्डर में चीज चिली का भी ऑर्डर जाना है, तो पनीर की कटिंग करके
वेट करूंगी ताकि ग्रामेज पूरी जा सके। चीज चिली फ्राई के लिए रेडी कर रही हूँ, कॉर्नफ्लोर के साथ इसको तैयार कर रही हूँ। फ्राई करके अभी रखूंगी और जब बिल्कुल ऑर्डर जाने का टाइम होगा तो फाइनल रेडी करूंगी। तो मैं पनीर को लाइट ब्राउन ही रखती हूँ, मतलब कॉर्नफ्लोर पक जाए उसमें, बस इतना ही फ्राई करती हूँ, क्योंकि कभी भी पनीर ओवर कुक या ओवर फ्राई नहीं करते, क्योंकि उसकी सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है। व्हाइट सॉस भी बनानी है अभी मैंने, पहले वही बना लेती हूँ। वैसे तो व्हाइट सॉस हमारी बनी होती है, लेकिन आज कुछ पोर्शंस बिक चुके हैं पास्ता के, तो व्हाइट सॉस कम पड़ गई है पार्टी पैक्स के लिए। अब मैं व्हाइट सॉस बना रही हूँ, ये 4 पैकेट दूध की व्हाइट सॉस बनाती हूँ मैं। तो ये मैदा थोड़ा सा पकाऊंगी बटर में और थोड़ा थोड़ा करके अब मैं दूध डालना शुरू करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालती हूँ ताकि लम्प्स ना हो। और ये देखिए ब्लेंड भी करी जा रही हूँ साथ साथ में, ताकि लम्प्स बिल्कुल भी ना पड़े व्हाइट सॉस में। थोड़ा नमक डालूंगी, काली मिर्च, मिक्स हर्ब, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है मैंने। अब फिर से ब्लेंड करूंगी। 3-4 मिनट हो गए हैं, मैं मेरी व्हाइट सॉस तैयार हो गई है। ऊपर से मैं बटर की थोड़ी लेयर लगा लेती हूँ ताकि व्हाइट सॉस सूखे ना। अब ये चीज डाला है मैंने, अब ये मेरा व्हाइट सॉस पास्ता बन के तैयार हो रहा है। तो अब मैं इसको पार्टी पैक्स में डाल रही हूँ, फाइनली रेडी कर रही हूँ सारा कुछ भेजने के लिए। ये पास्ता की दूसरी वैरायटी है, इसमें रेड सॉस, व्हाइट सॉस और चीज डाल के बनाई है वाली सॉस मैंने, ये भी तैयार हो गई है। अब इसको हम एक्सोटिक चीजी पास्ता बोलते हैं। अब फाइनली चीज चिली की तैयारी हो रही है। सब्जियों को सॉटे किया, शेजवान सॉस डाली मैंने। अब नमक वगैरह डाल के इसको थोड़ी देर सॉटे करूंगी और साथ साथ में ही स्प्रिंग रोल्स फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि ये भी ऑर्डर जाना है। ये देखिए चीज चिली बन रहा है, सॉसेस डाल रही हूँ मैं, थोड़ी देर सॉटे करूंगी। अब मैंने सारा फ्राइड पनीर डाल दिया है इसमें, अब सॉटे कर रही हूँ और मेरा चीज चिली लगभग रेडी हो चुका है। और ये स्प्रिंग रोल भी फ्राई हो रहे हैं साथ साथ में, ये भी ऑर्डर जाना है साथ में। अब आ गई है हक्का नूडल्स की बारी। थोड़ा पैन ग्रीस कर रही हूँ मैं। अब डालूंगी मैं वेजिटेबल्स, मैंने पहले ही वेजिटेबल्स को सॉटे करके रखा हुआ है। फाइनल तैयारी करने जा रही हूँ मैं, बस ये नूडल्स डल गए, स्प्रिंग अनियंस, अब इसको सॉटे करूँगी। हल्का सा सोया सॉस और विनेगर डाल के बनाती हूँ मैं हक्का नूडल्स, पर और बस और कुछ भी नहीं डालती मैं इसमें। थोड़े वेज चाउमीन से डिफरेंट होते हैं हक्का नूडल्स, इसमें सॉसेस कम पड़ती हैं। अब मैं एक एक करके बनाती जाऊँगी हक्का नूडल्स पार्टी पैक्स के हिसाब से, और इसको बाउल में डालती जाऊँगी। अब ये दूसरा पार्टी पैक नूडल्स का तैयार हो रहा है। सोया सॉस, विनेगर, हरा प्याज, नमक, एरोमेट पाउडर और फिर से सॉटे कर रही हूँ। नूडल्स का ध्यान रखें जब बहुत इसको अच्छी तरह से भुनें, इसका कच्चापन नहीं आना चाहिए, बस नूडल्स में यही देखना होता है हमने। बहुत अच्छी तरह से भुनी होनी चाहिए और एडजस्ट करते रहिए जब तक टेस्ट ना आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम को काम आता है इसलिए हैंडल कर पा रहे हैं ये सब चीज़ें। मुझे भी इतना कुछ हैंडल करना पहले नहीं आता था, प्रैक्टिस कर करके ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लाइफ में कोई भी एक दिन ऐसा नहीं होता जिसमें कुछ आपको सीखने को ना मिले और इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप ना हो। थोड़ा थोड़ा करके रोज़ सीखना पड़ता है, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, जो हमें पावरफुल बनाता है और जो हमें लाइफ में हर चीज़ को अचीव करने लायक बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से आऊँगी मैं और भी वीडियोज़ लेके। तो तब तक के लिए बाय बाय।